से मशीन को उठा रहे थे, वो लिफ्ट का आगे का डंडा टूट के गिर गया उसके सिर पे। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्हें अपना काम करने शुरू कर दिया। हम लोग तो नीचे, ये लोग नीचे काम कर रहे थे बंदे, इनको तो पता नहीं है ऊपर क्या हो रहा नहीं हो रहा। तोलापुराई कंपनी का है ना, जब क्यों नहीं बंदे को हटाया जी। मामला पानीपत के सेक्टर 29 पार 2 स्थित एक फैक्ट्री का है, जहां पर मंगल नाम के एक युवक जिसकी उम्र 22 साल थी पिछले 3 महीनों से काम कर रहा था, लेकिन आज फैक्ट्री की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई, ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। मृतक मंगल के परिवार का कहना है कि मंगल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और पिछले कई सालों से पानीपत के विकास नगर में रह रहा था और वो 3 महीने से सेक्टर 29 पार्ट 2 में स्थित एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन आज उन्हें फैक्ट्री से फोन आया कि मंगल की चोट लग गई है। जिस दौरान उन्होंने वहां जाकर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नीचे मंगल और उसके 2 दोस्त काम कर रहे थे और लिफ्ट से सामान को ऊपर उठा रहे थे, जिस दौरान लिफ्ट टूटने की वजह से वो काम कर रहे नीचे मंगल और उसके 2 दोस्तों पर जा गिरी और इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके दोस्तों को चोट आई। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ कहा। लिफ्ट से मशीन को उठा रहे थे, वो लिफ्ट का आगे का डंडा टूट के गिर गया उसके सिर पे। कौन नीचे काम कर रहा था? धीरज, मंगल, अनुज, 3 बंदे थे वहाँ पे। तो किसकी मौत हुई है? मंगल की। कितनी उम्र बताई जा रही है? 21। तो किसकी लापरवाही मानते हो? कंपनी वाले की। आखिर कंपनी क्यों? क्योंकि अगर हाई भी काम कर रहे हैं तो नीचे बता देंगे ना बंदों को कि हाँ थोड़ा साइड हो जाओ, या किसी को बताया ही नहीं है कि हाँ वहाँ से हटना नहीं हटना है। चेक करते तो आप भी वहाँ काम कर रहे थे? हाँ, हम तीनों बंदे धागे भर रहे थे। अब मैं निहुरे थे, एक बंदा धागा पकड़ रखा, एक बंदा कंघी कर, मंगल कंघी कर रहा था, वो पकड़ रखा मैं भरा रहा था, तो ये चीज़ लिफ्ट उठा रहा था, वो आके गिर गया। अब गिरा वो नीचे गिरा, फिर जब तो मैं नीचे देखा ब्लेड आ गया था माथे से, फिर उठाया और तुरंत गाड़ी में बिठाए ले आया इसको, मतलब हुक कर रहा था गाड़ी, मतलब इसे लाया हुआ हरिद्वार, यहाँ कौन सा ये हैदराबाद में जो सांस टूट गया था। तो मंगल की मौके में मौत हो गई थी वहीं फैक्ट्री में, यहाँ पे मतलब यहाँ पर तो पूरी कहानी ख़त्म ही हो गया था जी। आपको भी चोट लगी? चोट मेरे यहाँ कमर पर लगे थे। तो लापरवाही मानते इसमें? तो मानेंगे, जब इसको हटाना था ना इसको बंदे के, हट जाओ जी। आपका कहना है नीचे भी काम चल रहा था और ऊपर भी काम चल रहा था? हाँ हाँ। नीचे से बंदा नहीं हटाया? नहीं हटाया। क्या नाम से फैक्ट्री है? एसके कंपनी। कहाँ पर है ये? AKS। ये है फ्लोरा में। परिवार का कहना है कि फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। अगर ऊपर काम चल रहा था तो फैक्ट्री के नीचे वाले हिस्से में मजदूरों को काम नहीं करवाना चाहिए था, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से न्याय की अपील कर रहे हैं और फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो कंपनी में गया था काम करने, वो काम कर रहा था, हम तो उस कंपनी में नहीं रहते, तो हम दूसरा डिके 274 में हम रहते हैं जी। तो इनने फ़ोन किया, बाबा तू आओ, मंगल का तबीयत ख़राब हुआ। हम बोला क्या हुआ बताओ, तो इन्हें बोला कि नहीं तुम आओ, तो हम फिर हम जा रहे थे कंपनी, तो इन लोग बोला कि नहीं तुम आओ हॉस्पिटल में, तो हम फिर हॉस्पिटल में, तो वो डेट कर गया। अब कैसे हुआ, अब ये 2 बंदे बताएंगे, ये दोनों बंदे वहाँ मौजूद थे। मंगल था? मंगल मेरा गांव का, मेरा मैं उसका दादा लगता हूँ। कहाँ पर रहता था वो? विकास नगर रहता, मेरे साथ में रहता था। ये फैक्ट्री में कब से काम कर रहा था? यहाँ से तो उसको 4 साल हो गया रहते हुए फैक्ट्री में, लेकिन उसमें 2 महीना दिन हो गया काम करते हुए। कितनी उम्र थी? 21 साल। शादीशुदा था? कुंवारा था जी। तो किस पे आरोप लगा रहे हैं? क्या लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो हम कंपनी पर लगाएंगे, जब कंपनी उठा रहा था तो उसको बोलना चाहिए भाई तुम साइड हो जाओ मैं काम करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने अपना काम करने शुरू कर दिया। हम लोग तो नीचे, ये लोग नीचे काम कर रहे थे बंदे, इनको तो पता नहीं है ऊपर क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो तो लापरवाही कंपनी का है ना, जब क्यों नहीं बंदे को हटाया जी, जो ऊपर से एंगल गिरा। हाँ, मंगल के, और मंगल का तो अब नहीं देखा, सिर पर लगा, लेकिन उसके दिए देखा हूँ कि उसके मुंह से खून निकला है। मौके में मौत हो गई थी? हाँ। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो? अब ले आए यहाँ, क्या हो रहा है सिविल में देखता हूँ। तो बड़े आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं फैक्ट्री मालिक पर कि फैक्ट्री की मालिक की लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।